प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम् लगीयस। कल हम तीसरे अध्याय के 87वें सूत्र को हम देख चुके हैं, अभी 88वां सूत्र चलेगा। वैसे 86 और 87वें सूत्र में क्या कहना चाहते थे बताएगा कोई? 86 और 87वें सूत्र में हमने क्या देखा? हमने 22 गिनाए हैं, उस 22 में मात्र तीन की बात नहीं है, उस 22 के अलावा भी और बहुत सारे हेतु है जो इन्हीं में कहीं गर्भित होंगे अथवा जो अतिरिक्त भी होंगे वो उपलक्षण से समझ लेना। क्या दो बातें कही मैंने, या तो इसी में कहीं गर्भित होंगे या अलग से भी हो सकते हैं, लेकिन अब हम कहां तक गिनाएं तो इसी में गर्भित समझ लेना आप, ठीक है? तो गर्भित के द्वार तो हो गए, तो एक तो इसी में कहीं बैठेंगे वे, जैसे कार्य का कार्य, वो कार्य उपलब्धि में, कार्य अनुपलब्धि में ही चला जाएगा, कार्य उपलब्धि या कार्य अनुपलब्धि में। और यदि कारण का कारण कोई होगा तो वो कारण में ही हम उसको लेते जाएंगे। ये तो उसी में गर्भित हो गए 22 में, और 22 के अलावा जो भी जैसे तीन हेतु बताए विरुद्ध अनुपलब्धि के, तो हम समझते और चार होने चाहिए। हाँ हाँ कहते वे भी और है, और ऐसे बहुत सारे हैं, वो आप दिमाग में समझ लेना। ये सब हम बस लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने की मर्यादा पड़ जाएगी, ऐसे बहुत सारे हेतु है। ऐसी दो बातें कह रहे हैं, जैसे किसी को कहना कि ये इनके पुत्र है, ये पिता का नाम दे करके ये इनके पुत्र है, तो देखो दादा को भी, दादा की तरफ से भी उसको पुत्र कहा जा सकता है कि नहीं, प्रश्न है मेरा। कैसे कैसे कहा जा सकता, कोई कहता है क्या पुत्र का पुत्र? लेकिन ऐसा प्रयोग होता है क्या कहीं? देखो इंग्लिश में तो स्पष्ट ही प्रयोग होता है ऐसा, कैसा? सन, ग्रैंडसन। भले आदमी तुम बात ये पूछ रहे हो इसको पुत्र कैसे कह सकते साहब, महापुत्र कह सकते हैं तो पुत्र की बात करता है, ग्रैंडसन सब ये फादर तो ये है हमारे ग्रैंडफादर। तुम और आज ग्रैंड को हटा कर यही हमारे पापा, यही हमारे पापा और दादा दादी की जो आज हालत हो रही है उनको बॉयकॉट कर दो, उनको बाहर कर दो, तो तुम्हें समझना चाहिए दिस इज ओनली फादर, जस्ट फादर एंड ही इज ग्रैंड फादर। ग्रैंड मतलब मेगा, ऐसा होता है ना, तो लोक में भी, लोक में तो कितना होता है ये बड़े पापा है हमारे, अच्छा तेरे दो पापा है, ये होता है ना कहते बड़े पापा, ये हमारे बड़े पापा है, ये हमारी बड़ी मम्मी है, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी कह रहे हैं, पापा के पापा को तो कहते ही है ग्रैंड फादर, लेकिन पापा के बड़े भाई को भी बड़े पापा कहते हैं, तो पापा कितने सारे हो गए। नहीं कह रहे हमारे पापा से रिलेटेड ही, इसलिए वे सब पापा फादर में आ जाएंगे। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? परंपरा का प्रयोग लोक में भी देखा जाता है, पुत्र के पुत्र को भी ग्रैंड सन कहते हैं, ठीक है, फोर फादर्स। और उन्होंने वर्ड ही डाल दिया, क्या डाल दिया कि हमारे फोर फादर्स मतलब FORE नॉट FOUR, तो फोर फादर्स मतलब दादा परदादा जितना भी जनरेशन है। दादा कहने में कोई ये कह सकते साहब वो पिता थोड़ी, वो तो दादा है, लेकिन फोर फादर्स कहकर ये सब फादर फादर, ऐसा ये कार्य कारण में घटित होगा, आप समझ रहे? तो उन पर भी कारण पना आरोप से जा सकता है, 10 पीढ़ी के पूर्व हुए वालों पर भी कारण पने का आरोप हो सकता है, और 10 पीढ़ी बाद होने वाले पर भी बोलिए कार्य पने का आरोप हो सकता है। तो यहां पर एक सूत्र इन्होंने लगाया कि परंपरा अपेक्षा से उसको कहा जा सकता है, एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, क्या अत्रैव,
इसी में ही अंतर्भाव नियम, इसी में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। और एक दाखला उन्होंने पेश किया था यहाँ पर, एक उदाहरण। वो उदाहरण क्या था, उदाहरण क्या था अभी, वो क्या कहा था कि इस चाक पर शिवक हो गया है स्थास के होने से, तो बीच में छत्रक को उन्होंने गौण किया, तो शिवक हो गया है स्थास होने से, तो स्थास को हेतु बनाया। ये कौन सा हेतु कहेंगे इसको, इसको कौन सा हेतु कहेंगे, कार्योपलब्धि। कारण कैसे कहेंगे इसको, अविरुद्ध कार्योपलब्धि। पूर्वोचर उत्तरचर तो आना नहीं, क्योंकि पूर्वोचर उत्तरचर में तो डेफिनेट अंतर मुहूर्त का इंटरवल चाहिए। कार्य कारण में ही ऐसा अवसर पड़ेगा कि बहुत इंटरवल गए हो तो फिर उसको कारण कार्य में अपन ले सकते हैं। अभी इसी को कैसे पलटा देंगे तो किस प्रकार हो जाएगा सूत्र, बोलिए बोलिए बोलो बोलो। जैसे जरूर आगे स्थास होगा शिवक होने से, ओके। ये किस में चला जाएगा, कारणोपलब्धि में, अविरुद्ध कारणोपलब्धि में चला जाएगा शिवक होने से। समझ में आता है, कोई ये कहे फिर ये तो कारण का कारण है, तो उसको कारण में गर्भित किया जाएगा। फिर अभी कितनी सी बात हुई, अभी 86 में सिद्धांत बताया, 87 में उसका उदाहरण बताया, अगेन दिस थिंग विल बी रिपीटेड नाउ। 88वें में फिर से वही सिद्धांत बताएंगे नए शब्दों में, और 89 में अगेन ये उदाहरण, एक नए उदाहरण को रिपीट करेंगे। ये समझ रहे विषय वस्तु क्या, 86 और 87वें में कल क्या देखा अपन ने, बोलो। सिद्धांत 86वें में बताया, कौन सा सिद्धांत था ये, कि और भी हेतु हो सकते, उसका एक दाखला दे दिया उन्होंने कैसे हो सकता है। अभी आज 88वें सूत्र में भी सेम सिद्धांत बताएंगे, और फिर 89 में एक दाखला देंगे, और दाखला समझते हो ना, उदाहरण देखिए। 88वां सूत्र में दो बिंदु चाहूंगा दीपक से, बोले दीपक। गया गया गया, ऐसा नहीं पढ़ना, बोलो बोलो आदित्य। ऐसा नहीं पढ़ना, बोलो। कार्य कार्य अविरुद्ध कार्य, म तो खा ही लिया तुमने, तो म कहा जुड़ेगा, म विरुद्ध ऐसा बोलना चाहिए आपको, म विरुद्ध कार्य कार्य, म विरुद्ध कार्योपलब्ध। बैठिए बैठिए जल्दी, अभी आप ही में से प्रश्न पूछूंगा, जल्दी तैयार रहिए। अभी इसकी संधि विच्छेद करो, करो भाई। कार्य कार्यम अविरुद्ध कार्योपलब्ध, कार्य कार्यम में समास संधि है, कौन सा समास होगा ये, कार्य कार्यम षष्टी, कार्य का कार्य, उसको कार्य कार्य कह सकते हैं। समझ में आता है, ये कौन सी संधि पड़ेगी इसमें, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो इसमें द्वंद्व समास आता तो कैसा होता इसका अर्थ, और पड़ जाता बीच में, कुछ भी हो सकता था। कार्य का कार्य, इसको कार्य कार्य बोल रहे, तो का इसको षष्टी कहेंगे कि विभक्ति, तत्पुरुष कहेंगे इसको, मैं तो ज्यादा नहीं समझता। तो यहां पर कार्य का कार्य, उसको कार्य कार्य कह रहे हैं, ये सामासिक भाषा का प्रयोग किया। तो बीच में क्या आना है ये आपको समझना है, ठीक है। अब कोई इसमें कार्य से लेवे तो ऐसा नहीं, कार्य के कार्य, कार्य का कार्य के कार्य रूप अविरुद्ध कार्योपलब्ध, लब्ध अविरुद्ध कार्योपलब्धि में, क्या सूत्र तो हो ही गया, क्या शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है सूत्र का मात्र, कार्य के कार्य रूप अविरुद्ध कार्योपलब्धि में क्या अध्याहार करो। किसका अध्याहार करना,
पूर्व सूत्र में एक वर्ड आया था अंतर्भाव नियम, उसका अध्याहार करना चाहिए। पकड़ रहे आप लोग? तो सूत्र का प्रॉपर अर्थ बनेगा कार्य के कार्य का अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में क्या अंतर्भाव करना चाहिए। तो अंतर्भाव करना चाहिए ये अपने 86वें सूत्र से अध्याहार कर लिया। यहां पर अध्याहार कहते हैं या अनुवृत्ति कहते हैं, चलेगा, कुछ भी चलेगा। चलना है आगे, ये हो गया सिद्धांत, यहां पर बता दिया ये स्पष्ट। और एक सूत्र ऐसा बन सकता था, कैसा बन सकता था बोलो आदित्य? फिर कारण कारण अविरुद्ध विरुद्ध कारणोपलब्ध, ऐसा भी एक सूत्र बन सकता था। तो फिर क्यों नहीं बनाया? फिर भले आदमी फिर तो सभी दिखाने बैठ जाएंगे। तो अभी तो सूत्र बोल ही रहे कि हमने तो एक सैंपल दिखा रहे हैं, फिर सैंपल के नाम पर फिर सब दिखाना पड़ेगा ना हमको? हम तो पहले ही कहते समय कह रहे हैं हम सब नहीं दिखा सकते, और तुम कह रहे फिर वो भी एक बार दिखा लो, ऐसे कैसे चलेगा? अभी इसका फिर एक उदाहरण दे रहे, तो नई बात तो इन्होंने कुछ नहीं कही। जो अभी अभी 86वें सूत्र में कहा तो वही 88वें सूत्र में कहा, लेकिन 86वां सूत्र एक व्यापक रूप था। व्यापक क्यों था? क्योंकि वहां पर कार्य कार्य ऐसे डेफ पर्टिकुलर नहीं बोले थे, कारण कारण भी लग सकता था। ठीक है, ए कोई पूर्वोचर पूर्वोचर लगाए तो चलेगा क्या? कोई पूर्वोचर पूर्वोचर लगाए तो चलेगा क्या? ऐसा भी कदाचित चल सकेगा फिर, क्योंकि यहां पर डिफाइन तो नहीं कर रहे, वे पर्टिकुलर में ही लगना है। लेकिन वो पूर्वोचर पूर्वोचर भी चाहे जहां थोड़ी लगेगा फिर, वो डेफिनेट इंटरवल्स में, ये नक्षत्रों में ही लगेगा फिर, अथवा ये पांच लब्धियों में ही लगेगा, अथवा क्षपक श्रेणी वाली इन गुणस्थानों में ही लगेगा जिनका डेफिनेट इंटरवल अंतर्मुहूर्त होता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? फिर वहां पर कैसे बनेगा कोई बताओ मुझे, कैसे बनेगा? हर्षिल करके दिखाओ। हाँ? बोलो भाई, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ कैसे लगेगा, अब बोलो। हाँ, अरे सूत्र नहीं, मुझे उदाहरण बताओ। ये तो ठीक है, पूर्वोचर क्या कह रहे तुम? पूर्वोचर पूर्वोचरम अविरुद्ध पूर्वोचर उपलब्ध, ऐसा बोल रहे हैं आप? ठीक है, आप मुझे उदाहरण बताओ कैसे आएगा उसका, पूर्वोचर का कैसे आएगा? अरे बताओ ना कोई भी, ये तो क्या जमाई दे रहा है सुबह सुबह, है थोड़ी गड़बड़ कर दी, ट्रांसफर कर देते तुरंत, तुम्हारे ट्रांसफर यहां कर दूंगा, फिर बच के रहना तुम। बोलो, भरणी का उदय होगा, अभी भरणी का उदय होने से। ठीक है, रोहिणी का उदय होगा अभी भरणी का उदय होने से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यों इसको पूर्वोचर में क्यों ले लिया अपने, फिर कारण में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंतर्मुहूर्त के अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त के इंटरवल से बनेगा, ये आप समझ रहे? डेफिनेटली आगे 12वां गुणस्थान होगा, अभी क्षपक श्रेणी का 8वां गुणस्थान होने से। तो परंपरा परंपरा लगाते जाओ। अच्छा, उत्तर चर में क्या लेंगे? अभी 12वां गुणस्थान होने से, पूर्व में 8वां गुणस्थान था। पूर्व में मतलब अपन डेफिनेट एक मुहूर्त पहले ऐसा नहीं बोल रहे ना, दो मुहूर्त पहले ऐसे भी नहीं बोल रहे। तो ये परंपरा की तरफ से चलो तो उसमें भी लगेगा। ये कितने जन फॉलो कर रहे बात को? अभी सहचर में तो ये मानदा ही नहीं है, उसमें परंपरा क्या लेना है? उसमें तो सीधा ही लगता है फिर, परंपरा की क्या आवश्यकता है उसमें? ठीक है, देखो प्रागभाव प्रध्वंसभाव कैसे लिया था अपने, कुछ याद है आपको? प्रागभाव प्रध्वंसभाव कैसे चल रहा था? जैसे दही का उसकी पूर्व अवस्था दूध में ना होना, ये प्रागभाव, दही का दूध में प्रागभाव, दही का अपने पूर्व पर्य दूध में ना होना प्रागभाव। तो फिर कोई ये पूछता था कि दही के बाद छाछ बनी, तो छाछ का भी अपने पूर्व पर्य दही में ना होना प्रागभाव है। तो कोई ये पूछ बैठे कि छाछ का दूध में क्या है बताओ तो, जरा बताओ तो, सब ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी परिभाषा ये है आमने सामने दोनों चाहिए, और आमने सामने ये दो ही पर्य हो सकते कभी भी, ये नष्ट होते समय और ये उदित होते समय, ऐसा
ये इसमें लगेगा ही नहीं, लेकिन परंपरा की तरफ से फिर इसमें भी ऐसा लगेगा, फिर प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। आप समझ रहे हैं, दिखाया नहीं है लेकिन ये सूत्र न्याय का वहां पर यदि काम करे तो इस प्रकार काम करेगा। फिर वो आगे बढ़ना है, अभी क्लियर हो रहा है सबको? अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा। देवेश के साथ कल बहुत अच्छी चर्चा चली थी तो मैंने कहा था कल जरूर इसको लूंगा, फिर बाद में पता चला वो नहीं है, तो मैंने कहा चलो सबको तो मिलेगा ही, मैं सबके बीच में लूंगा। देखो अभी भी यहां से 89 का एक उदाहरण भी हमको देखना है इस सिद्धांत का, तो उससे पहले मैं मेरे अपने जो देवेश से कल बात हुई उसकी चर्चा करता हूं। कि देवेश ने कल जाते जाते एक प्रश्न पूछा कि प्रवचन सार खोल के यहां जो हेतु दिया जा रहा है कि ये मनुष्य पर्याय है, पूर्व में आज मनुष्य पर्याय होने से पूर्व में इसने अल्पारंभ अल्प परिग्रह या स्वभाव मार्दवन स्वभाव मार्दव ऐसे भाव किए है, एक कौन सा हेतु कहेंगे इसको? तो मैंने कहा ये चला जाएगा, बोलिए आप कोई एक किस में चला जाएगा, एक किस में चला जाएगा बताए आप कोई? मनुष्य पर्याय होने से जो पूर्व में अल्पारंभ अल्प परिग्रह का भाव हुआ था, बोलिए कोई क्या आ सकता है? ना मुझे उत्तर चाहिए डेफिनेट, बोलो ना हर्षिल किस में आ गए? बोलो, कठिन है क्या? कठिन तो है ही नहीं है कुछ, बोलो किस में आएगा डेफिनेटली? कोई बोलो पर्टिकुलर लोकेट करके दिखाओ, 22 में कहां लोकेट करेंगे इसको? बोलो और कोई? ये आएगा अविरुद्ध कारण उपलब्धि में, ठीक है। हेतु क्या दिया? मनुष्य परे होने से, सॉरी हेतु कार्य रूप है ना, अविरुद्ध कार्योपलब्धि में आएगा, हेतु कार्य रूप है अविरुद्ध कार्योपलब्धि में आएगा। यदि ऐसा होता कि आगे जरूर मनुष्य पर्याय आएगी अल्पारम अल्प परिग्रह के भाव होने से, तो फिर अविरुद्ध कारणोपलब्धि में चला जाता सिद्धांत। समय बराबर है जो मैं कह रहा हूं? दोनों ने उत्तर दिया था कारणोपलब्धि का, दोनों गलत है, कार्य उपलब्धि चाहिए यहां पर, मनुष्य पर्याय होने से हेतु कार्य रूप है। अब मुझे क्या कहना है, पूर्वोचर उत्तरचर का तो यहां सवाल ही नहीं, अंतर्मुहूर्त के इंटरवल की तो कोई बात ही नहीं है, तो पूर्वोचर उत्तरचर सहचर का तो कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन इसमें यह परंपरा अपेक्षा से चलेगा। कैसे परंपरा अपेक्षा से चलेगा? क्योंकि अल्पारंभ अल्प परिग्रह बना, वो सीधा कोई तुम्हारे आज जो मनुष्य पर्याय मिली है उसका कारण थोड़ी हो सीधा, तो वो द्रव्य कर्म के बंध का कारण बना, फिर द्रव्य कर्म का उदय बना और उसके निमित्त से ये आपका नौकर्म बना। तुम इस देह की पूछ रहे थे ना, इस मानव देह की, उसका कारण पना उसको जोड़ रहे थे ना भाव को, तो हम कह रहे कारण का कारण है, बीच में एक द्रव्य कर्म को तुमने गायब कर दिया, तो वो गायब क्या उसको बोल रहे अंतर्भाव नियम, तो उसका अंतर्भाव कर लिया है हमने। कितने जन समझ रहे हैं अभी? आप पकड़ रहे मेरी बात को? वो भाव कर्म से नो कर्म थोड़ी मिलता है भाई जी, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म मिलता है। लेकिन कहने को क्या कह रहे हैं अभी हम? ऊपरी रूप से भाव कर्म से हमको मिला, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से हमने बहुत पुण्य भाव पूर्व में किए, स्वाज देह मिली, तो ये वो गौण करके बात चल रही, क्योंकि भाव करके द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से ये मिला है, कोई भाव से ये नहीं मिला है डायरेक्ट, आप समझ रहे? और भावों का ऐसा कोई संबंध भी नहीं होता इसके साथ, वो तो द्रव्य कर्म के साथ, फिर द्रव्य कर्म का नो कर्म के साथ आएगा, पहले हेड ऑफिस में आकर बात रुकेगी द्रव्य कर्म में, फिर द्रव्य कर्म के उदय में जो होना है सो होता है। ये पकड़ रहे सब बात को? एक बात तो ये हुई कल, तो मैंने कहा ये कार्य का कार्य में आएगा,
इसलिए अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में आएगा, और उल्टा लगा तो अविरुद्ध कारण उपलब्धि में आएगा। अब मैं प्रश्न आपके सामने और एक खड़ा करता हूं, आपको उत्तर देना है, दोनों के उत्तर देने, 22 में लोकेट करना आपको है प्रॉपर। अतो ये परंपरा है कि नहीं ये भी बताना आपको कि डायरेक्ट लगेगा। ये क्रोध आदि भाव कर्म होने से इसको तीव्र द्रव्य कर्म का तीव्र छोड़ दो, इसको द्रव्य कर्म का उदय है। क्या क्या? इसको भाव कर्म होने से द्रव्य कर्म का उदय है। उदाहरण एक, प्रश्न एक, प्रश्न दो। इसको भाव कर्म होने से, ये तीव्र भाव कर्म होने से नौकर्म में ऐसी एक्टिविटी है। ये दो प्रश्न मैंने पूछे, बताओ उत्तर इसका। दो प्रश्न पूछे, कोई भी बताओ इसका उत्तर। प्रश्न पहले तो कौन रिपीट करेगा? प्रश्न रिपीट करने हैं। रजत प्रश्न रिपीट करो। दोनों प्रश्न कौन रिपीट करेगा? मनन रिपीट करो। क्या बोल रहे? प्रश्न ढंग से रिपीट करो, बोलो। गया, फिर से गया। दोनों जगह अपने हेतु बनाए हैं भाव कर्म होने से, हेतु नहीं बदलाया है अपने, इसने नहीं बदलाया है, उसको पर्पजली बीच में लिया है मैंने, क्योंकि एक आएगा कारण उपलब्धि में, एक आएगा कार्य उपलब्धि में, पर्पजली ऐसा क्या है। तो जब अपन ऐसा कहेंगे कि भाव कर्म होने से जरूर उसके द्रव्य कर्म का उदय है, ये कषाय कर रहा है ना, इसको जरूर कषाय नामक द्रव्य कर्म का उदय है। ये किस में आएगा? ये अविरुद्ध कार्योपलब्धि। अभी सेकंड उदाहरण मैंने क्या बोला? इसके तीव्र कषाय होने से इसको जरूर नौकर्म में बाहर ऐसी गाली गलौज ऐसा चल रहा है। हेतु कहा बदला? तीव्र, सुनो सुनो सुनो, तीव्र कर्म, तीव्र भाव कर्म के होने से। अभी ऐसा बोला, पहले तो तीव्र नहीं बोला था मैंने, अभी तीव्र बोलना इसलिए जरूरी पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बाहर की एक्टिविटी देखी हमने, ठीक है, बाहर की एक्टिविटी तीव्र भाव कर्म में ही होती है। देखो अब्रह्म कब दिखेगा? मुनि को दिखता है क्या ब्रह्म? वो तीव्र भाव है ही नहीं ना वहां पर, भले ही मैथुन संज्ञा है सातवें स्थान में, इसलिए मैंने तीव्र डाल दिया, क्योंकि मुझे एक्टिविटी के साथ रिलेट करना है। अथवा आप ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि बाहर नौ कर्म की क्रिया होने से अंदर में तीव्र भाव कर्म हो रहा है, क्योंकि आप तो जानते हो कि उदीर्णा में ही कार्य होता है, कार्य दिखता है, उदय में कार्य नहीं दिखता। कितने जन समझ रहे बात को? अभी हम सबको वेदनीय का ये, अब हम सबको निद्रा का उदय चल रहा है, लेकिन कार्य दिख रहा है किसी के? क्योंकि उदीर्णा में कार्य दिखता है, इसलिए ये उदय ये मैंने ले लिया, ये तीव्र भाव कर्म डाल दिया, क्योंकि अपन बना रहे हेतु उसको, तो तीव्र भाव कर्म होगा तभी तो बाहर एक्टिविटी होगी। तो मात्र भाव कर्म होने, बाहर एक्टिविटी नहीं दिख रही है, और अपन कह रहे भाव कर्म होने से जरूर एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी तो दिख ही नहीं रही थी, फिर वो गलत सिद्ध होगी, इसलिए मैंने कहा था तीव्र होने से जरूर एक्टिविटी होगी। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? अभी तो ये किस में आएगा? अविरुद्ध कारणोपलब्धि में आएगा। चलना है आगे। अभी कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? सभी जन कर रहे हैं। अब 89 वां सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है ये। अब फिर उसी का उदाहरण आएगा। किसका उदाहरण चलेगा ये? 88 का। कौन सा? कार्य का, कार्य कार्य के कार्य का, बोलो। कार्य में ही अंतर्भाव करेंगे बस। जीजाजी के जीजाजी को जीजाजी बोला जाता है, समझ में? मामा के मामा को मामा बोला जाता है, तो उस न्याय से चलेगा। अभी देखिए सूत्र क्या दिया है मुझे, दो बिंदु कौन बताएगा? चिन्मय बताओ। नास्यत्र भवान् प्रक्रीडन् नगारे शब्दार् शब्दनार्
कारण वृद्ध कारण वृद्ध कारण क्या बोल रहे? मुझे संधि विच्छेद करके दिखाओ ना अभी तुम। तुम्हें दो ही काम है तुम्हारे पास, एक तो सूत्र पढ़ना और एक तो संधि विच्छेद करना। क्रीडनम अच्छे से पढ़ो। मृग अरि संशब्दनात् संधि विच्छेद करो ना तुम जितना बनेगा। कारण विरुद्ध कार्य विरुद्ध कार्योपलब्ध यथा। यथा कहकर किस बात की सिद्धि हो रही है? ये उदाहरण आ रहा है, ये बात पक्की हो गई। जैसे जैसे क्या कि ये कार्य कार्योपलब्धि में विरुद्ध कार्योपलब्धि में ये गर्भित होगा। कैसे गर्भित होगा? अभी वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखो नास्ति अत्र गुहायाम। अभी इसके मुझे अर्थ दो बिंदु फिर और आगे के कोई बताओ। दो बिंदु कौन से बताने हैं अभी आपको? एक तो अर्थ और एक तो अंग बताओ। बोलिए नास्ति अत्र गुहायाम मृग क्रीडनम। इस गुफा में मृग क्रीड़ा नहीं हो रही है। समझ में आता है इतना सा? आगे मृग अरि संशब्दनात्। संशब्दनात् मृग अरि मृग मृगारि शेर को कहते हैं। जो पशुओं का अरि मतलब यहां पर शत्रु के रूप में, खैर राजा है वो तो, लेकिन शत्रु इसलिए है जिसको भी देखता है फिर झपटता है वो शेर। तो मृगारि मतलब शेर। संशब्दनात् गर्जना रोरिंग। क्या हेतु बनाया यहां पर? दो अंग है यहां पर। साध्य क्या बनाया है? यहां पर गुफा में हिरण की क्रीड़ा नहीं चल रही है। कितनी समझकर भाषा का प्रयोग किया है। खोए होंगे तो सोए होंगे, हमको नहीं पता। और फिर पहले से अंदर बैठे होंगे और बाद बाहर में दहाड़ रहा होगा, तो बाहर आने का तो उनके सवाल ही नहीं है। तो अंदर अंदर दबे पड़े होंगे फिर बुजदिल जैसे, लेकिन क्रीड़ा तो नहीं कर रहे होंगे। ये हेतु नहीं, ये साध्य नहीं बना रहे क्या? क्या बोलो आदित्य? हाँ ये साध्य नहीं बना रहे कि वहां पर मृग नहीं है। साध्य बना रहे हैं मृग की वहां पर क्रीड़ा नहीं चल रही है। सोच समझ कर न्याय की भाषा है ना। क्यों? नास्ति अत्र गुहाया मृग क्रीडनम, वहां पर मृग की क्रीड़ा नहीं चल रही है उस गुफा में। क्यों? शेर की दहाड़ होने से। ये किस में चला जाएगा? ये उदाहरण क्या दे रहे हैं? ये वृद्ध कार्योपलब्धि, इसलिए यहां पर वृद्ध कार्योपलब्धि दिया है। तो वृद्ध कार्योपलब्धि में ये जाएगा कहना है इनका। वो तो सीधा ही जा रहा है। क्या हेतु किस रूप है? अस्थि रूप है तो इसलिए उपलब्धि में चला गया। साध्य नास्ति रूप है इसलिए विरुद्ध में चला गया। लेकिन ये परंपरा कैसे बिठा रहे इसमें? ये तो डायरेक्ट ही लगता है हमको, ये लग रहा है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ये परंपरा का उदाहरण थोड़ी दे रहे, तो डायरेक्ट लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? देखो आप ऐसा उदाहरण ले लीजिए, कोई बैठा है दूर 1 किलोमीटर पर, अध्ययन कर रहा है अपना अपना, पूरी आंखें गड़ी है उसकी पुस्तक में और एकदम उसको दहाड़ सुनाई दी। तो दहाड़ सुनाई दी तो अभी दहाड़ से दहाड़ बन गया उसका हेतु। दहाड़ होने से बोलो जरूर वहां पर शेर है, ये हो गए साध्य। ए आप सब समझ रहे हैं? तो ये अविरुद्ध कार्योपलब्धि तो ये हुई कि दहाड़ है, दहाड़ होने से जरूर वहां पर शेर है। अभी और एक स्टेप और चल रहे हैं और वहां शेर होने से जो भी सन्निकट गुफा है उसमें डेफिनेटली मृग की क्रीड़ा नहीं हो रही होगी। तो डायरेक्ट बीच के पॉइंट को गौन करके वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि शेर की दहाड़ होने से वहां पर मृग की क्रीड़ा नहीं है। एक एक पॉइंट कौन सा अपन गौन कर रहे हैं? शेर की दहाड़ होने से वहां शेर है,
फिर परंपरा और क्या चलना, शेर है तो वहां पर नृत्य की क्रीड़ा भी नहीं है, तो फिर इसे कह रहे बीच की स्टेप हटा दो, परंपरा से डायरेक्ट इसको वो लगाते जाओ, तो उसको भी अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में गर्भित हो सकता है। अब समझ रहे मेरी बात को सभी बराबर? पहले तो अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में लिया अपन ने, दहाड़ होने से वहां पर जरूर शेर है, और शेर होने से वहां पर जरूर मृग की क्रीड़ा गुफा में नहीं चल रही है। चलो अब गुफा में ही जब नहीं हो रहे, आमने सामने तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है, मृग कहां से क्रीड़ा करेगा जब वो दहाड़ रहा है, तो ये परंपरा में चला जाएगा। ये एक स्टेप को गौण करके बात करी है, और डायरेक्ट जाता तो डायरेक्ट कैसे जाता, फिर डायरेक्ट कैसे जाएगा अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में, कोई बताओ? विरुद्ध कार्य उपलब्धि में, विरुद्ध कार्य उपलब्धि का उदाहरण है, और एक परंपरा से लगा रहे हैं, बिना परंपरा के डायरेक्ट कैसे लगेगा, कोई बताओ? बताओ, प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? अर्पित प्रश्न समझ रहे हैं? क्या पूछ रहा है ये बोलो, क्या प्रश्न है मेरा, बोला आदित्य? बराबर, ये 89 वा जो सूत्र है, ये उदाहरण काय का दिया जा रहा है कि कार्य के कार्य का कार्य में अंतर्भाव होता है, ऐसे बोल रहे हैं यहां पर, तो परंपरा अपेक्षा से का उदाहरण है ये। तो मैं ये कह रहा हूं डायरेक्ट कैसे लगेगा, डायरेक्ट विरुद्ध कार्य उपलब्धि इसी उदाहरण में कैसे घटित करेंगे। डायरेक्ट ऐसा घटित होता, देखो उसकी आंखें गड़ी नहीं है अध्ययन में, वो डायरेक्ट शेर को देख रहा है, दहाड़ते शेर को देख रहा है। अब वो दहाड़ता शेर वो हो गया उसका हेतु, शेर दहाड़ते होने से साध्य सीधा क्या बनेगा, गुफा में मृग क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, हो गया ये डायरेक्ट में चला जाएगा। इनडायरेक्ट कब जा रहा था वो आंखें गड़ी थी अध्ययन में, और उसको एक लिंक लगानी पड़ी थी, दहाड़ है तो शेर है, और शेर है तो मृग नहीं है, तभी तो परंपरा का उदाहरण बनेगा ये। कितने जन अभी फॉलो कर रहे हैं, मनन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो तू हाथ क्यों नहीं ऊपर करता है, ये तो आदित्य, उसका हाथ ऊपर करना है, समझता नहीं क्या? अर्पित पकड़ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, कि नहीं अभी बाहर ही जा रहा है तो क्या बात है, तुम दम नहीं है तुम्हारे बोलने में, तुम्हारा प्रमोशन कर दू क्या, प्रमोशन कर दू क्या तुम्हारा, हा? नहीं तो फिर आ ही जाओ, तुम आ जाओ, मुझे जरूरत भाषित हो रही है, आ रहा है समझ में अच्छे से, जोश चाहिए यहां पर। चलो ठीक है, देखो देखो मैं अभी वैसी एक बात कह रहा हूं, मजेदार बात है। एक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे ये सूत्र तो हो गए 89, लेकिन अभी मैं 89 सूत्र पर ही कुछ खड़ा रहूंगा। अभी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ बॉडी लाइन क्वेश्चंस होते हैं, समझते हो आप बॉडी लाइन क्वेश्चंस, आप लोग नहीं जानते? अच्छा, तो बॉडी लाइन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कुछ प्रश्न पूछा जाए, तो जैसे अब खराब तो नहीं मानोगे मेरी बात का, बहुत मैं बहुत बचरा हूँ, कोई अपने से वैसी बात नहीं निकले, आप बहुत सज्जन बच्चे हो। देखो जैसे प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट टचेस यू मोस्ट, प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर कहते हैं कि साहब जब हम ये इंसिडेंट देखते या हादसा देखते, दैट टचेस मी मोस्ट, तो कहते दिस इज बॉडी लाइन क्वेश्चन, तो कहते व्हाट टचेस यू मोस्ट, तो कहते माय बनियान टचेस मी मोस्ट, ये बॉडी लाइन क्वेश्चन कहते हैं इसको। आप समझ में आता है, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो दैट टचेस अस मोस्ट, अभी वहां पर टच का अर्थ वो नहीं लेना है जैसे लोक में लिया जाता है, ये इसको बॉडी लाइन क्वेश्चन कहते हैं। अभी देखिए ये, अभी इसको एक क्वेश्चन को मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसको भी अपन एक काम करें अभी क्या कि इसको भी अपन अध्यात्म लाइन क्वेश्चन बनाए, क्या ये जो बोल रहे हैं वहां पर गुफा में मृग की क्रीड़ा नहीं हो रही है शेर की दहाड़ होने से, संशब्दनाथ देखो वहां पर जरूर अंदर में मुनिराज गुफा में क्रीड़ा कर रहे हैं,
शेर की दहाड़ होने से। अध्यात्म लाइन समझ में आता है, इसको कौन से हेतु में डालेंगे फिर, कौन से हेतु में डालेंगे इसको, इसमें इसको आत्मोपलब्धि हेतु में डालेंगे। नहीं समझा? ये आप ऐसा नहीं है ये भाई इसमें कहीं ढूंढने लग जाओ इसको, ये कौन सी उपलब्धि के बात चल रही है, ये आत्मोपलब्धि की बात चल रही है, इसको बाईस में टटलने का प्रयास मत करो। तो कह रहे दहाड़ होने से मृग तो क्रीड़ा नहीं कर सकते ना, ऐसा कौन होगा? तो कहते ऐसे मुनिराज होंगे। समझ में आता है? और वो क्रीड़ा क्रीड़ा कार तो वहां पर ऐसे थोड़ी कोई नाच गाना कोई चल रहा है, वहां पर आत्म स्वभाव में खेली कर रहे, उनको कोई फिक्र नहीं है उसकी। समझ में आया? चलो, और फिर ऐसा लगाएंगे यदि कि दहाड़ होने से अंदर में मुनिराज क्रीड़ा नहीं कर रहे, कह रहे ये हेत्वाभास है, ये कोई क्रीड़ा नहीं कर सकता, ये कहना है हेत्वाभास है, मुनिराज आज भी क्रीड़ा करते हैं, काले कल्प शते पीछे, कोई लोग को भी उलट पुलट कराने की ताकत करे फिर भी वे तो मस्त अपनी मस्ती में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये भी कहे रात में नगर के समीप हिरण आकर बसते हैं, रात में नगर के समीप हिरण आकर बसते हैं रात्रि होने से, ये किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, मुझे घटित करके दिखाओ, थोड़ा जोर लगाओ, और तीन सूत्र मुझे पूरे करने हैं, 92 तक आना है 93 तक, तो अब जल्दी इसका उत्तर बताओ, 93 तक करना ही है आज। बोलो क्या बनाया है मैंने, क्या वाक्य बनाया है? नगर के समीप आकर हिरण रुके हैं रात्रि होने से, अविरुद्ध कारणोपलब्धि है ये, अविरुद्ध कारणोपलब्धि है ना? तो हेतु जो दिया रहा जा रहा है वो कारण रूप दिया जा रहा है रात्रि होने से, तो वो कैसे घटित किया आपने, ऐसे कैसे हेतु लगेगा? सब ऐसा लगेगा, देखो परंपरा कैसे बिठाएंगे इसमें, रात्रि में जंगल में शेर विचरण करते हैं, शेर विचरण करने से हिरण वहां नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं तो नगर के समीप आकर रहते हैं, तो यह परंपरा अपेक्षा से लगाना पड़ेगा, यह परंपरा इसको कहते हैं। तो क्या साहब ये कोई हेतु है रात्रि होने से नगर के पास? हाँ ये हेतु है, क्योंकि रात्रि का उस शेर से संपर्क, रात्रि होने से जहां जहां रात्रि वहां वहां शेर विचरण करता है जंगल में, तो जहां शेर विचरण करता है यह कैसे करेगा, तो ये इस रूप से परंपरा परंपरा लगाकर ये क्वेश्चन 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 में ये डायरेक्ट अपने लिंक कर दी कि रात्रि होने से बाहर आ गए। कितने जन बात को समझ रहे हैं? ठीक है मनन, तुम हाथ ऊपर क्या करो भाई, चलो ठीक है, अभी 90 वा सूत्र में सब आइए। देखो व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपपत्या अनुपपत्यैव वा, हो गया, मैंने सूत्र पढ़ लिया, सूत्र एक बार फिर से पढ़ू, व्युत्पन्न प्रयोगस्तु तथोपपत्या पत्यानु अन्यथानुपपत्यैव वा, 90 वा सूत्र है ये, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा क्या बात है ये फिर से प्रकरण चालू हो गए क्या, वैसे का वैसा, वैसा ही प्रकरण तीन सूत्रों में मिलेगा आपको, देखिए अभी चार सूत्रों में सेम प्रकरण जो पहले देख चुके हैं। व्युत्पन्न प्रयोगस्तु, व्युत्पन्न मतलब विद्वान लोगों को, अव्युत्पन्न मतलब अज्ञानी ना, प्रथमानुयोग किसको है, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए, दुराग्रही मिथ्या दृष्टि के लिए, व्युत्पन्न मतलब विद्वान ज्ञाता। तो कहते हैं ज्ञाता के लिए ये प्रयोग होता है, किसका, तथोपपत्ति का और अन्यथा अनुपपत्ति का ही प्रयोग होता है। क्या बोला मैंने, क्या क्या अर्थ किया, समय बोलो, मतलब मतलब बोलो, मतलब मतलब वो तो अर्थ तथोपत्ति अनुपत्ति का अर्थ मत बताओ मुझे, मतलब क्या कहना चाहते हैं, अब पूर्व में देख चुके हैं हम सब, मतलब दृष्टांत,
उपनय निगमन विद्वानों के लिए जरूरी नहीं है ये मत बोलो, अजरूरी है ऐसा बोलो, अजरूरी है ऐसा बाधक है, सीधी बात समय खराब करने की बात है। विद्वान जनों को मात्र दो ही हेतु है, तत्वोपपत्ति अन्यथा अनुपपत्ति, अस्तिरूप हेतु नास्तिरूप हेतु, समझ में आ रहा है, एक अन्वय रूप एक व्यतिरेक रूप। तत्वोपपत्ति मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, यह पर्वत अग्नि वाला है यह पर्वत धूम वाला होने से, यह तत्वोपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति क्या होगी, यह पर्वत अग्नि वाला नहीं होने से यह पर्वत धूम वाला नहीं है। जहां अग्नि नहीं वहां धुआं नहीं, जहां साध्य नहीं वहां साधन नहीं, अन्यथा अनुपत्ति का अर्थ। तो विद्वानों को इतना ही बोलना, इतने का ही प्रयोग होता है, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति। अपने सूत्र भी देखे थे, याद नहीं आ रहा आपको, मैंने लिखाए भी थे, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रेण किम, याद आ रहा है आपको, उससे तीन से क्या मतलब, उससे पंच भी, उससे पांच से भी क्या मतलब, याद आ रहा है क्या, कितने जन को याद आ रहा है, लिखाया था आदित्य, क्या हो रहा है, पंक्चर हो रहा है क्या, तो कैसे एबिलिटी करता है, इनको याद आ रहा है तुझे नहीं याद आ रहा है। चलो आगे देखिए क्या कहते हैं, 91st सूत्र में देखिए, उसी को उदाहरण से बस समझा रहे हैं यहां पर। अग्निमानयम देशस्तथैव धूमवत्तोपपत्ते पत्तेर धूमवत्त्वान्यथा अनुपपत्तेर्वा। किसी को तोतली भाषा तोतला बोलता हूं, उसको ठीक करना, उसको रोजाना इसका पाठ करने को बोलना चाहिए, तोतलापन गायब भी होएगा उसका, अब जानते हैं ना गायब होता है ऐसा ऐसा, ऐसे शब्द का प्रयोग करने से उरियाज वगैरह की जो परंपरा है उससे आवाज खुलती है, ये बात सही है। अग्निमानयम देशस्तथैव धूमवत्तोपपत्ते पत्तेर धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेर्वा, ये उदाहरण दिया है तथोपत्ति और अन्यथानुपपत्ति का। तो ये कह रहे ये पर्वत धूम वाला है अग्नि वाला होने से, ठीक है, और यह पर्वत अग्नि धूम वाला नहीं है, यह पर्वत अग्नि वाला नहीं होने से, ये तत्वोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति का उदाहरण दिया। आपका कहना हो तो 92वें सूत्र में हम आ सकते हैं, 93वां सूत्र पूरा करना है आज। 92वें सूत्र में क्या कहते, देखो हेतु प्रयोगो ही, चलो मुझे बताओ कोई हेल्प करो, ये सूत्र खोलो अर्थ खोलो इसका, खोलो हर्षित चलो। हेतु प्रयोगो ही यथार्थ व्याप्ति ग्रहण विधीयते सच तावन मात्रेण व्युत्पन्नैर व्युत्पन्नैरे वार्धते। हाँ, हेतु के प्रयोग से ही हाँ व्याप्ति का ग्रहण होता है। वेरी नाइस, मात्र हेतु के प्रयोग से व्याप्ति का ग्रहण हो जाता है। व्याप्ति के लिए दो ही चीज चाहिए, शादी के लिए दो ही चीज चाहिए, पति और पत्नी। व्याप्ति के लिए दो ही चीज चाहिए, बोलो, हेतु और साध्य, खेल खत्म। तथोपत्ति अन्यथानुपत्ति में दोनों की तो बात आती है, अस्थिपरक और नास्तिपरक। हाँ, हेतु प्रयोग ही तथा व्याप्ति ग्रहण, व्याप्ति के ग्रहण में हेतु का ही प्रयोग आवश्यक है, विधीयते इतना ही आवश्यक है। आगे सच तावन मात्र मात्र इतने से ही, तावन मात्रेण इतने मात्र से ही अवधार्यते, वे इतने मात्र से अवधारण कर लेते हैं विद्वान लोग, उनको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कितने जन को ख्याल में आ रहा है ऐसा प्रकरण पूर्व में निकल चुका, कितने जन को दिमाग में आ रहा है ऐसा ऐसा थोड़ा एक प्रकरण निकल चुका, वो कौन से सूत्र थे मुझे बताएंगे, मनन सूत्र बोलो, नंबर बताओ ना, पीछे पीछे मुड़ के देखो जल्दी, वे कौन से सूत्र थे, 42वां बोल रही है दीपक, सही है क्या, हाँ 42-43 सही कह रहे, सही कह रहे, 42-43 वो जो पैच था वो बराबर इसी को मुख्य करके हुए था, ठीक है। 92वां सूत्र हो गया, अभी 93वां सूत्र में आप आइए, देखिए तावताच्च साध्य सिद्धि, क्योंकि इससे ही मात्र साध्य की सिद्धि होती, किससे, हेतु से,
हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है, इसलिए विद्वानों को ये हेतु और साध्य तथोपत्ति अनुपत्ति ही से बात को सिद्ध कराया जाता है, अन्य उनको आवश्यकता नहीं होती। ये 93rd सूत्र तक आए, कल कितने चलेंगे? 4, 5, 6, 7 चार सूत्र कल चलेंगे, फिर और एक पीरियड मिलेगा अपने को, है ना, अब जाने के पहले। फिर उस पीरियड में वैसे एक जनरल चर्चा कुछ करेंगे, कल तीसरा अध्याय पूरा करके फिर जनरल चर्चा एक में मंडे को करूंगा। मंडे को एक पीरियड मिलेगा ना आपको, दैट विल बी द लास्ट पीरियड। ट्यूजडे भी, ट्यूजडे तो मैं तुमको आराम करने के लिए बोल दूंगा, अब चिंता नहीं करो, चलो।